Hello everyone, how are you all? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. Okay, beta. Today we will discuss exercises from chapter 5. Okay? उससे पहले हम लोग जो बच्चे में एक्टिविटी है पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. ठीक है? Yes, ma'am. चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 9, इसको कंप्लीट करना है. Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. क्या करना आपको? टेक सम वाटर, आपको कुछ वाटर लेने हैं इन अ बीकर, बीकर में कुछ वाटर आपको रखना है एंड मिक्स साल्ट. और उसमें क्या मिक्स करना है? साल्ट मिक्स करना है. Yes, ma'am. In it until it cannot dissolve any more salt. आपको उसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि उसमें ज्यादा नमक ना घुल जाए. ओके? उस बीकर में जब तक उसको हिलाते रहना है जब तक कि उसमें ज्यादा नमक ना घुल जाए. दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. ये आपको एक क्या देगा? विलयन देगा, संतृप्त विलयन बोलते हैं उसको. तैयार हो जाएगा नमक और साल्ट का एक विलयन तैयार होगा. नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब क्या? एंड हीट इट. अब क्या करना आपको? आपको विलयन बनाने के बाद फिर आपको उसमें थोड़ा सा और डालना है. अभी तो विलयन तैयार हुआ है अच्छे से मिलकर साल्ट और उसका वाटर का, आपको उसमें थोड़ा सा साल्ट और डालना है. फिर उसको क्या करना है? गर्म करना है. व्हाट डू यू फाइंड? आप क्या पाओगे? व्हाट हैपेंस टू द अनडिजॉल्व साल्ट? मींस अनडिजॉल्व साल्ट मींस होता है जो घुला हुआ नमक ना हो. ओके? जो नमक ना घुला हो पानी में, ऐसे नमक को हम बोलेंगे अनडिजॉल्व साल्ट. इन द बॉटम ऑफ द बीकर आप देखोगे कि जो नमक पानी में घुला नहीं है साल्ट, वह जाके जो बीकर है उसके बॉटम में उसके तल पे बैठ जाएगा. ओके? गर्म करने पर जो नमक घुला नहीं है उसके पानी में, वह जाके उसके नीचे बैठ जाएगा. Does it dissolve now? If yes, क्या ये डिजॉल्व हुआ है या नहीं? यदि नहीं हुआ है, can some more salt be dissolved in this सोल्यूशन बाय हीटिंग. फिर आप इसमें थोड़ा सा और डाल के उसको गर्म करोगे. उसका विलयन बनाने के बाद फिर आपको उसको गर्म करना है. लेट्स दिस हॉट सोल्यूशन कूल. जब यह जो आपने विलयन तैयार किया जब वह ठंडा हो जाएगा, ये गर्म विलयन जो है ठंडा हो जाएगा, दस द साल्ट अपेयर टू द सेटल एट द बॉटम ऑफ द वीकर अगेन. फिर से आपके बीकर में साल जो है नीचे बैठ जाएगा. ओके? आपने जो विलयन तैयार किया उसको गर्म करोगे, हीट करोगे, फिर हीट उसके बाद से आपको उसको ठंडे ठंडा करना है. फिर ठंडा होने के बाद जो नमक रहेगा वह नीचे बैठ जाएगा. ओके? यस मैम. द एक्टिविटी सजेस्ट्स दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. यह एक्टिविटी आपको यह बता रही पर कि जो अधिक मात्रा में साल्ट जो है पानी में घुल सकता है, गर्म करने पर अधिक मात्रा में साल्ट पानी में घुल सकता है. हम उसको डालते रहेंगे, गर्म होता रहेगा, नीचे बैठता रहेगा. ठीक है? उसमें नीचे बैठता रहेगा साल्ट जो है, हम उसमें डालते रहेंगे वीकर में और गर्म करते रहेंगे उसको, जिससे क्या होगा? नीचे बैठता रहेगा. ठीक है? नमक जाके देखते हैं. Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let's find out. क्या जो है पानी equal मात्रा में, बराबर मात्रा में अलग अलग पदार्थ को अपने में डिजॉल्व करता है, घुलनशील होता है? क्या पानी में अलग अलग प्रकार की जो है पदार्थ अलग अलग मात्रा में क्या उसमें घुलते हैं? जैसे नमक कितना, क्या और भी पदार्थ जो है इसी मात्रा में घुलता है वाटर में? इसके देख करने के लिए हम एक्टिविटी नंबर 3 देखेंगे, 10 देखेंगे. क्या है? टेक 2 ग्लासेस. आपको 2 ग्लास लेने हैं एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम. आपको दोनों में हाफ कप वाटर रखना है, ग्लास में हाफ कप, आधा कप वाटर जो है उसमें गिराना है, ग्लास में रखना है. एड अ टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 ग्लास. फिर आपको एक ग्लास में एक स्पून क्या लेना है? साल्ट रखना है. आपने 2 ग्लास लिया, आपको एक ग्लास में क्या लेना है? एक स्पून जो है साल्ट लेना है. एंड स्टायर टिल द साल्ट डिजॉल्व. और आपको उसको तब तक खिलाना जब तक कि वह नमक उसमें घुल ना जाए.
पानी में जब तक नमक घुल ना जाए तब तक आपको उसको अच्छे से हिलाना है. गो ऑन एडिंग साल्ट, फिर आपको उसमें थोड़ा साल्ट और ऐड करना है, वन टीस्पून एट अ टाइम. एक एक टाइम पे आपको एक एक स्पून जो है साल्ट उसमें डालना है. ठीक है? यस मैम. मैम टिल द सॉल्यूशन स्ट्रक्चर, जब तक कि उसका विलयन ना तैयार हो जाए. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून, फिर आपको उस नंबर स्पून का नंबर रिकॉर्ड करना कि आपने कितना स्पून इसमें साल्ट डाला है. ओके? रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ साल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर, कि कितना चम्मच स्पून जो है सॉरी कितना साल्ट, कितना स्पून जो है साल्ट उसमें घुल गया है पानी में, कितने कितना चम्मच नमक आपने घोला है, आपको उसको रिकॉर्ड करना है कि इसमें कितना घुल गया है. इन टेबल 5.2, यहाँ टेबल बना हुआ, आपको इसमें राइट करना है कि कितना चम्मच जो है आपने साल्ट इसमें घोला है पानी में. ठीक है? रिपीट द सेम एक्टिविटी विद सुगर, फिर इसी एक्टिविटी को सुगर के साथ रिपीट करना है, दोहराना है कि सुगर कितना आप इसमें घोल सकता है पानी में. रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, आप ये एक्टिविटी और भी दूसरे सब्सटेंस के साथ कर सकते हो जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, ऐसे सब्सटेंस के साथ आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है? यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, एक आपको और करके खुद से राइट करना है. यहाँ पे साल्ट एंड सुगर दिया हुआ, आपको इसको करके देखना है, बाकी एक आपको अलग से करना है. इसमें जो भी घुलनशील पदार्थ होंगे आप उसको घोल के देख सकते हो कि कितना स्पून इसमें घुलता है, साल्ट कितना स्पून डालेंगे इसमें कि अच्छे से मिलेगा, और शुगर कितना स्पून लगेगा इसी पानी में. पानी कितना लेना है आपको, केवल आप आधा कप लेना है, हाफ आप कप. ओके? डालना है ग्लास में, आधा कप पानी आपको डालना है और देखना कितना कितने स्पून लगते हैं साल, कितने शुगर मिलने में, उसका घोल तैयार करने में कितना लगेगा. ओके? यस मैम. तो आप करके देखना, ठीक है? एक्टिविटी को आप सभी लोग करना. देन What do you notice from table 5.2? आप फिर देखना कि आपने क्या नोटिस किया, फिर आपको इसको इसमें राइट करना रहेगा टेबल 5.2 में. Do you find that water dissolve different substances in different amounts? क्या आपने पाया कि जो वाटर होते हैं अलग अलग अमाउंट में जो सब्सटेंस होते हैं क्या उसकी अलग अलग मात्रा उसमें लगेगी घुलने में? आपको उसकी मात्रा देखनी है ना, कितनी मात्रा लग रही है पानी में घुलने में, कि साल की मात्रा कितनी लग रही है, शुगर की मात्रा कितनी लग रही है इसमें घुलने में. ठीक है? आपको इसको ऑब्जर्व करना है. ठीक है? यस मैम. वी हैव डिस्कस अ मेथड, अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस. हम लोगों ने डिस्कस किया फ्यू मेथड, कुछ तरीकों का ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, पदार्थ के जो घुलते हैं इसके बारे में हमने कुछ मेथड को यहाँ पे डिस्कस किया इस चैप्टर में. Some of the method of suppression presented in this chapter are also used in our science laboratory. यहाँ पे हमने इस चैप्टर में कुछ मेथड जो है प्रेजेंट किया और कुछ जो है साइंस के प्रयोगशाला में उपयोग किए जाते हैं. कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो कि हम साइंस की प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं उस मेथड का. ठीक है? We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. We learned, हमने यह भी लर्न किया, यह भी सीखा कि सॉल्यूशन में विलयन होता है, कि विलयन कैसे तैयार करते हैं, घोल कैसे तैयार करते हैं. हम कुछ सब्सटेंस को उसमें पानी वाटर में घोलते हैं जिससे कि विलयन तैयार होता है. ओके? A solution is said to be saturated, it is cannot dissolve more of the substance in it. A solution is said, वह विलयन कहलाता है क्या, संतृप्त विलयन. ओके? अ सॉल्यूशन इज सेट, वह सॉल्यूशन जो है विलयन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड मींस संतृप्त होता है, संतृप्त विलयन होता है. इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व, जबकि यह ज्यादा नहीं घुलता है पानी में पदार्थ में, यदि ज्यादा नहीं घुलता है तो इसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन. ओके? चलिए. यस मैम. सभी को आगे समझ में जितना पढ़ाया गया. यस मैम. यस मैम. अब आगे हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करवाया गया है, होमवर्क दिया गया था करने के लिए, कई लोगों ने किया भी है इसको. व्हाई डू वी नीड
to separate different components of a mixture, give two examples. चलिए इसका आंसर देंगे अभिलक, क्योंकि इसको बताया गया था पहले भी. यस अभिलक, माइक ऑन करिए. यस मैम. इसका आंसर बताइए क्या होगा. व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर, गिव टू एग्जांपल. मिक्सचर होता है, उससे कंपोनेंट्स को अलग करना क्यों, अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? आपको एग्जांपल देना है मैम. अगर हम मैम डिफरेंट कंपोनेंट्स के मैम मिक्सचर को अलग नहीं करेंगे मैम, जिसमें कुछ खराब मैम चीजें होती है मैम, वो हमारे मैम खाने के कुछ यूजफुल भी होती है और कुछ अनयूजफुल भी होती है. जो यूजफुल होती है उसका हम अलग से उपयोग करते हैं, कुछ हार्मफुल भी चीजें उसमें होती हैं, नुकसानदायक चीजें भी होती हैं, इसलिए अलग करना पड़ता है. इसको राइट कैसे करेंगे? चलिए महक बताइए आप कैसे राइट करेंगे. We need to separate different components of a mixture to remove non-useful components and to remove impurities or harmful components. Good. Arun, you tell. आप बताइए हम क्यों अलग करते हैं? Ma'am, because ma'am उसमें harmful things होती हैं. And ओके प्रिया यू टेल, आप बताइए. मैम मैम कौन उसमें मैम जो अनेक चीज होते हैं मैम हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं. ओके चलिए इसको राइट करिए. कैसे राइट करेंगे इसको नोट करिए. वी नीड टू सेपरेट different components of a mixture. We need to separate different components of a mixture. कहीं रख में नोट कर लो, बाद में नोट कर लेना नोटबुक में. For the following region, कुछ रीजन यहाँ पे दिए जाएंगे भी, किसी रीजन के कारण हम पदार्थ को उसके मिक्सचर से अलग करते हैं. जो मिक्सचर होता है उससे पदार्थ को अलग करते हैं. ओके आगे बोले. वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फॉर द फॉलोइंग रीजंस. रीजन क्या है? नंबर वन डालिए. टू सेपरेट TO2 राइट करना. टू सेपरेट डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. टू सेपरेट डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. अलग अलग कंपोनेंट्स लेकिन यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम इसको अलग करते हैं. टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. सिद्धार्थ भाई आवाज आ रही है? यस मैम. राइट कर रहे हो कि नहीं? यस. ओके टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. देन टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. इस चैप्टर में बहुत टाइम लग गया कंप्लीट होने में. यस. वन वीक तो लग गया ना? यहाँ पे देखिए 3 नोट कर लो. समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? बस ये 3. हाँ ये 3 जो बीच वाले बॉक्स में है ना, ये आप 3 नोट कर लो. ये 3. ओके
जो नहीं नोट किए चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसको आप कंप्लीट करना है ना कि आप कल से चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाए, ठीक है? यस मैम। है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा है, 2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज इट यूज, विनोइंग क्या है या कहां पर यूज होता है, शायद ये भी क्वेश्चन जो समझाया गया था, चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? यस महक बोलिए बेटा। मैम द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, इट इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ओके गुड, तो आप क्या करना, विनोइंग जहां पे राइट है हेडिंग वहां पे ओपन करना, फिर नोट करना यहां पे, कहां से नोट करेंगे हम, यहां से नोट करेंगे, अभी इसे आप लोग सर्च करना और खुद से ढूंढ के राइट करना, ठीक है? प्रिया आया समझ में? यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ, इसी से आपको ढूंढ के राइट करना है, आप ढूंढ से खुद से क्वेश्चन राइट करना सीखो, ठीक है? नहीं आएगा तो आपको पूछना बता देंगे बाद में, लेकिन आपको खुद से पहले बार ट्राई करना है ढूंढ के राइट करना। महक ने बताया ढूंढ के, महक ने राइट किया, उसे आपको भी ढूंढ के राइट करना है, ठीक है? विनोइंग क्या है और यह किस लिए यूज होता है, देखिए यहाँ पे राइट है, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अब क्या है आप खुद से ढूंढोगे, बताइए क्या है विनोइंग, किसको बोलेंगे आप, व्हाट इज विनोइंग, ये बताइए प्रिया, आप बताइए बेटा विनोइंग क्या है? बोले बेटा प्रिया, चलिए आप बताइए अरुण, व्हाट इज विनोइंग, मैम टू रिमूव द पार्टिकल्स फ्रॉम द ग्रेन। ओके चलिए आप बताइए सिद्धार्थी, बोले बेटा सिद्धार्थी आवाज नहीं जा रही आपको मैम, आप बताइए व्हाट इज विनोइंग, मैम विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट मैम लाइटियर कंपोनेंट एंड हैवियर कंपोनेंट। ओके तो चलिए आप लोग उसको ढूंढना फिर राइट करना, ठीक है? यस नेक्स्ट है आपका हाउ विल यू सेपरेट हक्स और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम आर गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, दाल को पकाने से पहले हम जो उसमें भूसी होती है, डर्ट होते हैं, पार्टिकल कण होते हैं, उसको हम कैसे अलग करते हैं, वह कैसे अलग किया जाता है दाल को पकाने से पहले, जो उसमें भूसी होती है, जो उसमें डर्ट धूल होते हैं, मिट्टी होती है, पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं कण, उसको हम कैसे अलग करते हैं, किस मेथड के द्वारा अलग किया जाता है? मैम बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। ओके गुड, तो आप ऐसे राइट करोगे इसको, बी कैन सेपरेट हक्स और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बाय विनोइंग। ओके विनोइंग के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं, बीइंग लाइटर हक्स पार्टिकल्स विल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस, जिससे क्या होता है जो लाइटर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, हल्के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वह उड़ जाते हैं हक्स से, जो उसमें पल्स, जो पल्स में जो लाइटर पदार्थ होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उड़ जाते हैं विनोइंग विधि के द्वारा। फिर वी कैन आल्सो सेपरेट दीज बाय हैंड पिकिंग मेथड, इसको हम हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, ठीक है?
we can also separate it by hand picking method. कर लोगे ना complete? Yes ma'am. जैसे विनोइंग का भी यूज होता है, हैंड पिकिंग का yes, भी कर सकते हैं इसको अलग करने के लिए. ठीक है? Yes ma'am. Okay. चलो आगे देखते हैं, क्योंकि आप जब होम पे देखिए, जो आपके होम पे दाल होता है उसको खेत से लेके आते हो, फिर उसको अलग क्या करते हैं ना, उसको हवा में जाके विनोइंग भी करते हैं. yes, अलग होता है, भूसी अलग होती है, आपका पल्स अलग हो जाता है, होता है ना. लेकिन जो हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं पल्स, वो तो साफ रहता है, क्योंकि उसको देखना रहता है हैंड पिकिंग के द्वारा कि उसमें कोई कंकड़ तो नहीं है, बस कंकड़ अलग करना रहता है उसमें से. ठीक है? जो आप मार्केट से लेके आते हो पल्स खरीद कर. ओके? तो इसको अलग करने के लिए हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज करेंगे, और जो होम भी आपके पल्स होता है उसको अलग करने के लिए हम विनोइंग मेथड का यूज करेंगे. करते हैं ना? बोले बेटा. यस मैम. ओके, तो हम दोनों का आपको यूज यहाँ पे राइट करना, क्योंकि दोनों का यूज इसमें होता है, विनोइंग का भी और हैंड पिकिंग का भी. फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज. सीविंग क्या है, उसका यूज कहाँ पर होता है. जो चालन विधि होती है, चालन मेथड, जिसके आप चालते हो पदार्थ, उसको अलग कर सकते हैं, उसको अलग करते हो. चलिए बताइए मैम. The method of separating different size of particles in a mixture is called sieving. It is used when components of a mixture have different size. Okay, अलग अलग different size के components को अलग करने के लिए हम sieving method का use करते हैं. जो मतलब जो अलग अलग different प्रकार के components होते हैं, substance होते हैं, उन्हीं को अलग करने के लिए sieving का use होता है. एक आपका heavy होगा, बड़ा होगा, एक छोटा होगा. ठीक है? अगर सेम साइज के होंगे तो वो अलग नहीं हो सकता है, अगर डिफरेंट साइज के होंगे तभी वो अलग हो सकता है, इस सीविंग मेथड के द्वारा. ठीक है? जो आपका जो भारी कंपोनेंट्स है वो उसके अंदर रहेगा, बाकी जो हल्का होता है नीचे आ जाता है. तो इसको भी ढूंढना, फिर राइट करना, यहाँ पे मिलेगा. ठीक है? यस मैम. यस मैम. ओके. यस मैम. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5. How will you separate sand and water from their mixture? How will you separate? हम कैसे अलग करेंगे sand and water, बालू और पानी को, from their mixture, उसके मिलावट से हम पानी और बालू को कैसे अलग करेंगे, sand and water को कैसे अलग करेंगे, दोनों में मिला हुआ है एक में, तो इसको हम किस मेथड के द्वारा अलग करेंगे. चलिए बताइए, कौन बताएगा. मैम. मैम, बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग करेंगे. नो बेटा. मैम, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. गुड. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ओके. सेडिमेंटेशन के द्वारा नीचे बैठ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं, पानी को अलग पार्ट में कर देंगे दूसरे बर्तन में, और सैंड जो है नीचे बैठा रहेगा. ठीक है? तो आप इसको ट्राई करना, राइट करने की कोशिश करना. ठीक है? वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. आप कैसे अलग करेंगे इसको भी आपको नोट करना है. फिर आप डालना हेडिंग सेडिमेंटेशन, इसमें राइट करना, ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन वी लीव मिक्सचर फॉर सम टाइम. ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन वी लीव, हम छोड़ देंगे मिक्सचर को, जो मिलावट है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए. ओके. आफ्टर दैट द सैंड व्हिच इज हैवियर, सैंड जो है हैवी होता है. आफ्टर दैट द सैंड व्हिच इज हैवियर इज सेटल्ड डाउन एट द बॉटम, बॉटम के नीचे जाके बैठ जाएगा. ओके. ऐसा नहीं. यस मैम. सेकंड हेडिंग आप डालोगे डिकेंटेशन, इसमें आप नोट करोगे, आफ्टर द अबव प्रोसेस, ऊपर की प्रक्रिया के बाद, वाटर इज पोवर्ड, वाटर जो गिराया जाता है इनटू अनदर वेजन, दूसरे पात्र में. ठीक है? एंड सैंड इज लेफ्ट इन द फर्स्ट वेजन,
जो सैंड है पहले वाले पात में रहेगा और जो आपका वाटर है दूसरे पात में गिराया जाता है, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे डिकैंटेशन. ओके, दस सैंड एंड वाटर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर. इससे जो आपका वाटर है और सैंड है अपने मिलावट से अलग हो जाएंगे. ठीक है, आगे समझ में सभी को? यस मैम. यस मैम. चलो आगे देखते हैं. सिक्स नंबर, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? इट इज पॉसिबल, क्या संभव है टू सेपरेट, अलग करना, किसको अलग करना? सुगर, सुगर को अलग करना मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, जो कि गेहूं के आटे में मिला हुआ है. सुगर जो है गेहूं के आटे में मिला हुआ है, क्या इसको अलग करना संभव है? इफ यस, यदि हाँ, हाउ विल यू डू इट, तो आप इसको कैसे करोगे? क्या आटे में अगर सुगर मिला हुआ है इसको अलग करना पॉसिबल है? अगर है तो आप इसको अलग कैसे करोगे, बताइए. बहुत इजी है ये तो, क्योंकि दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे अलग करते हैं, किस मेथड के द्वारा? डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं मिलावट में, अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं, किस मेथड के द्वारा? मैम सीविंग. यस, सीविंग करते हैं. गुड, तो यहाँ पे आप नोट करोगे, यस इट इज पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर बाय सीविंग. ओके, यस इट इज पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर. आप कैसे अलग करेंगे, हाउ विल यू डू इट, आप ऐसे इसको कैसे कम करोगे, इसको हम ऐसे करेंगे. साइज ऑफ सुगर पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ द व्हीट फ्लोर, क्योंकि जो सुगर की साइज होती है वह जो व्हीट है, जो गेहूं का आटा जो है फ्लोर है, उससे भारी होता है. ओके, सो सुगर विल स्टे ऑन सीव, इससे क्या होता है, सुगर जो है चलनी में ही रुका रहेगा. ओके, एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, और जो आपका फ्लोर है वह सीव की जो होल होता है, जो चलनी का होल होता है, छिद्र होता है, उससे नीचे पास कर जाएगा, बाहर निकल आएगा. ओके, इसे बोलना पड़ेगा. यस इट इज पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर बाय सीविंग. साइज ऑफ सुगर पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ द व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर की अपेक्षा सुगर की साइज बिग होती, बड़ी होती है. सो सुगर विल स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू द होल ऑफ द सीव. ठीक है? यस मैम. चलो आगे देखते हैं. नंबर सेवन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? मडी वाटर का सैंपल है आपका, मिक्सर है, उसमें से हम क्लियर वाटर कैसे प्राप्त करेंगे? आपको स्वच्छ वाटर निकालना, तो कैसे आप निकालोगे? मैम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. क्या बेटा? मैम फिल्ट्रेशन के द्वारा. हाँ, फिल्ट्रेशन के द्वारा. गुड, तो इसको कैसे करोगे, आपको इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, आप जो प्रोसेस होता है उसका ओपन करना, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आप वहीं से नोट करना. ठीक है, इन दिस प्रोसेस पहले आप नोट करना, वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. इन दिस प्रोसेस वी यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर फिल्टरिंग मडी वाटर, बिकॉज इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पॉस रिमाइन इज बिटवीन द ओवन प्लेट. सब दिया हुआ, आप उसको ओपन करना, टॉपिक मिल जाएगा आपको, नोट कर लेना. ठीक है, कर लोगे ना? यस मैम. चलो आगे देखते हैं. नंबर सेवन, सेवन तो हो गया. एट, फिल अप द ब्लैंक्स, इसको आप रीड करना, फिल करना. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी, पैडी मीन्स धान होता है, फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड. पैडी का जो बीज होता है उसको डंठल से अलग करना क्या कहलाता है? मैम थ्रेशिंग. मैम थ्रेशिंग. गुड, थ्रेशिंग. नेक्स्ट है, व्हेन मिल्क कोल्ड कूल एट आफ्टर बॉइलिंग, बॉलने के बाद ठंडा होता है दूध,
is poured onto a piece of cloth, the cream जो मलाई होती है is left behind on it. दूध अलग होता है, जो उसकी मलाई होती है अलग हो जाती है. This process of separating cream from milk is an example of, किसका example है? मैम filtration. Yes, filtration. उसको छान के अलग करते हैं ना, filtration होगा ये. Next है? Yes ma'am. Salt is obtained from water by the process of, किस प्रक्रिया के द्वारा जो है समुद्र से हम साल्ट को प्राप्त करते हैं, कैसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं संघनन. मीन्स इवेपोरेशन. यस, वाष्पन के द्वारा. इवेपोरेशन मीन्स वाष्पन होता है, भाप के द्वारा अलग होता है. नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज कीप overnight in a bucket, the clear water was turned, time over होने वाला, poured off from the top. The process of separation used in this simple example is called fermentation and decantation. Sedimentation and decantation. आगे आप 9 question जो है learn कर पढ़ना और tick, उसको tick करना. इसमें सारा जो है false रहेगा, एक बार आप भी read कर लेना, ठीक है? Yes ma'am. सारा option इसमें false है. नेक्स्ट देखते हैं 10 क्वेश्चन नंबर. लेमन में होता है नींबू का जूस जो होता है, इस प्रिपेयर जो कि तैयार किया गया है बाय मिक्सिंग लेमन जूस को मिलाकर एंड शुगर इन वाटर, पानी में शुगर एंड जो लेमन का जूस है उसको मिला के बनाया गया है. यू विश टू एड आइस टू इट, आपकी इच्छा है कि इसमें कुछ बर्फ डाल दे इसको ठंडा करने के लिए. शुड यू एड आइस टू द लेमन बिफोर ऑफ और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर, तो इसका आंसर क्या होगा? जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर आपने तैयार किया है जूस, अगर आप उसमें बर्फ डालोगे ठंडा करने के लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे, बोलिए? हम जो बर्फ डालेंगे चीनी घोलने के बाद डालेंगे या पहले डालेंगे, किस चक्कर में अधिक बोलना संभव होगा? जल्दी से टाइम ओवर होने वाला, इसको बताएंगे बेटा, सब बात बता देंगे, समझा देंगे, टाइम ओवर हो गया है, ठीक है? आप नेक्स्ट सेशन में आप लोग जल्दी जुड़ना, जिससे कि इसको बता देंगे फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाकी आप कंप्लीट करके किसी को पूछना है कुछ? नो मैम. ओके बेटा, गुड बाय मैम. गुड बाय. गुड बाय बेटा. गुड बाय.